ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फाइल का नाम हम पार्ट वन पार्ट टू पे लिखते हैं, ठीक है। तो पार्ट वन होता है एक्चुअली यूजर डिफाइंड, और पार्ट टू है वो ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन ऐड करता है। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि बायोडेटा अंडरस्कोर मोहन डॉट डीओसी डॉट डीओसी, दो बार डॉट डीओसी आ जाएगा। तो आप अपने आप से बाय माई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे की स्लाइड में मूव करते हैं। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने पिछले वीडियो में पूरा देखा है तभी आप इस वीडियो में पहुंचे हैं। अब यहां पे हमें समझना है कि जो विंडो है, विंडो जो होता है उसमें एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपको एक सिंबल मिल रहा है जो कि आपके कोई भी विंडो में ये तीन चीजें होंगी, चाहे वो नोटपैड हो। देखिए यहां पर अभी अगर मैं नोटपैड बोलूंगा तो वो नोटपैड में भी वही चीजें मिलेंगी। तो यहां पे देखिए ये तीन चीजें आपको मिल रही हैं, मिली आपको तीन चीजें, ये तीन चीजें हैं, इट इज लाइक दैट। तो ये आपको एक सिंबल मिल रहा है, ये के सिंबल मिल रहा है, ये एक सिंबल मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, माइक्रो सॉफ्ट वर्ड में हमें ये देखिए इस तरीके का हमें तीन सिंबल मिल रहे हैं। तो एक तो आपका अंडरस्कोर जैसा कुछ दिख रहा है, एक आपको दो रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं, और एक हमें क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। तो बेसिकली जो पहला वाला दिख रहा है, जो अंडरस्कोर है, इसे बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज करना। यानी अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो जैसे फॉर एग्जांपल, मिनिमाइज मतलब ये क्या होगा, आपके करंट इस डिस्प्ले में नहीं रहेगा। सपोज करिए कि मैं आपको एक मतलब विंडो सिस्टम खोल के ओपन करता हूं। देखिए अभी मैंने एक सिस्टम आपके सामने ओपन किया है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये मिनिमाइज आ रहा है। तो मैं जैसे ही इसको एक क्लिक करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं लेफ्ट की से क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पे मिनिमाइज हो गया और मुझे अपना स्क्रीन दिखने लग गया है। अब सपोज करिए कि ये जो आपको दिख रहा है डबल रेक्टेंगल, तो ये डबल जो रेक्टेंगल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज होना या फिर रीस्टोर होना, यानी ये एक्टिव हो जाएगा अपने मैक्सिमाइज विंडो में। जैसे अभी यहाँ पर आपको देखिए एक विंडो में दिखा रहा हूँ, ये विंडो क्या है, अभी ये मिनिमाइज में है या फिर रीसाइज में है, मैंने इसको रीसाइज कर दिया, इसको मैं रीसाइज बोलूंगा। देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी विंडो को इस तरीके का रीसाइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रीसाइज करना। इसी तरीके से इस विंडो को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये मूव होना भी यहीं पर आ रहा है। इसके बाद इसे मैक्सिमाइज करना है, तो देखिए मैं इस पर अब क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज, देखिए मैक्सिमाइज वर्ड दिख रहा है आपको। अब मैं इसको करता हूँ क्लिक, तो देखिए क्या होगा, ये बड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन में नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सेलेक्टेड एरिया में बनाता हूँ, तो ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा हो गया, सपोज करिए ये ना पूरे स्क्रीन में ये दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो हम सिंबल बना रहे हैं उसका कमांड भी बनता है, उस कमांड को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक कमांड बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा, इस तरीके का एक विंडो मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ये विंडो मिल रहा है, इसमें भी आपको वही चीजें बताई हैं जो कि मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ, वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। तो इसमें आप समझने की कोशिश करें, तो एक तो रीस्टोर है यानी कि बड़ा स्क्रीन के लिए है, मूव करना है, साइज करना है, साइज मतलब रिसाइज करना, मूव करना है, लोकेशन इसको बदलना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, और यहाँ पर क्लोज करना है। तो क्लोज के लिए क्या यूज करें आपने, इट इज ए क्रॉस,
तो क्रॉस को यूज किया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस को यूज करूंगा तो ये मिनिमाइज जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी जैसे ये अनटाइटल के ऊपर स्टार बना है, तो स्टार क्यों बना है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया है। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये स्टार हट जाएगा और आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो लेट मैं इसे अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्लोज करूंगा तो ये यहाँ से फाइल कंटेंट भी डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट जो कमांड है, दैट इज नोन एज ए क्लोज। तो ये तीन बटन हो गए, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तो इन तीनों का यूज हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में ना आपको? ओके, तो अब देखिए मैं सेकंड स्लाइड में और आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये चीजें, चलिए ये तो आ गया, दिस थ्री बटन्स आर ऑलमोस्ट इन एवरी विंडो। जैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि इस तीनों जो बटन हैं, ये तीनों आपको हर विंडो में मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इट इज ए वन एप्लीकेशन, तो ये नोटपैड एप्लीकेशन है एंड दिस इज माय विंडो एप्लीकेशन। तो हर एक वे आपको इसी तरीका, दिस इज द माय विंडो एप्लीकेशन, तो विंडो एप्लीकेशन में भी ये तीनों दिख रहे हैं और नोटपैड में भी मुझे यही दिख रहे हैं। तो जो भी मैं एप्लीकेशन खोलूंगा सब में ये चीजें मिलती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो दे आर ऑन मैक विंडो एज वेल, तो ये मैक का भी जो सिस्टम है उसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, पर वो एक्चुअली जो स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो याद रखें कि ये जो सिंबल्स हैं उनका थोड़ा डिजाइन बदल सकता है, लेकिन अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। मेरे पास अभी सिस्टम में मैक नहीं है इसलिए मैं मैक नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही आपका जो ये सिस्टम है वो मिनिमाइज हो गया, मिनिमाइज होके कहाँ बैठ गया, वो बैठ गया आपके टास्क बार में बैठ गया, जाके विंडो टास्क बार लोकेटेड इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो ये क्या है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन में जाके बैठ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बॉटम ऑफ स्क्रीन दिखेगा, तो वहां पे ये चीजें भी आपको दिख रही हैं। तो जैसे ये बॉटम स्क्रीन में जाके बैठ गया तो आपको क्या करना है, आपने जैसे ही ये क्लिक किया मिनिमाइज, तो मिनिमाइज होके कहाँ जाएगा विंडो में, वो नीचे आके आपके स्टेटस में बैठ जाएगा। वहां से आपको फिर से इसे ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए डबल वाला मैक्सिमाइज दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फिर से रिसाइज होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो लेट ओके, तो आई विल यूज द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इस स्लाइड में क्या दिख रहा है, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि हम चाहें तो अपने जो भी मिनिमाइज एप्लीकेशंस हैं उसको मैं अपने, मतलब एक और मेरे पास में ऑप्शन होता है उसे मैं रिस्टोर कर सकता हूं। तो उसे मैं एक्चुअल में इस तरीके से यूज करूंगा कि मुझे ये सारे जो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी बटन दिख रहे हैं ये सारे एक्चुअली आइकॉन हैं, ये पूरे के पूरे आइकॉन मेरे कहाँ बैठे हैं, स्टेटस बार में बैठे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक्सप्लोरर है, कोई मल्टीमीडिया है, ये भी एक एक्सप्लोरर है, ये सेव बटन, इतने सारे ओपनड है और ये अभी एक्चुअल में स्क्रीन पूरा तरीके से नहीं खुल रहा है। ये आपका क्या है, पावर पॉइंट है, ये एक्सेल है, ये आपका आइकॉन क्या है, विंडो का है। तो हम ऐसे चीजों को साइज, मतलब यहाँ पर शेप एंड साइज में भी हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये रिस्टोर होने लगेगा। अभी ये टास्क बार में जाके सब बैठ गए हैं, वहां से हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो जिससे कि वो क्या होगा, एक्टिव मोड में आ जाएंगे। अभी क्या है, ये पैसिव मोड में है, पड़े हुए हैं, पर उस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि उसे एक्टिव मोड में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव मोड में आपको दिख रहा है हमारे पास में एक से ज्यादा वर्ड फाइल है, एक से ज्यादा वर्ड फाइल है। तो ये आपको इस तरीके से विजुलाइज होगी, दिस इज द वन फाइल, दिस इज द सेकेंड फाइल, दिस इज द योर थर्ड फाइल, ये तीन फाइल दिख रही है।
अभी तीन फाइल आपको देखिए स्टेटस बार में, यहाँ पर टास्क बार में कैसी दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पर पीछे देखिए ध्यान से, आपको तीन रेक्टेंगल जैसे दिखेंगे। तो ये वर्ड जो है आपके एक से ज्यादा यहाँ पर ओपन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके यहाँ पर एक से ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको तीन मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको तीन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, मतलब मैं ABCD जैसे समझा रहा हूँ, लेकिन भाई देखिए ऐसा है कि जब तक ये नहीं समझाएंगे तब तक आप इसमें मास्टरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं तो इसी तरीके से समझाऊंगा। भले आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आगे वाले वीडियो में आ जाइए, अगर आपको चीज पहले से मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ चीज मालूम है और आप उसको स्किप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज आपको नहीं मालूम है उसे आप स्किप कर रहे हैं, तो ये तो भाई आप पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगी बात, कि आपको जो चीज समझनी है अब वो चीज आप कर नहीं रहे हैं और उसके बाद आप अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। आपको एक्चुअल में सारी चीजों को एक साथ लेके चलना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन यू क्लिक ए मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन, तो हमारे पास में सारी चीजें इस तरीके की हो जाएंगी, तो हमारा प्रोग्राम विंडो विल फिल द स्क्रीन, तो ये सारी चीजें हमारी पूरी की बड़ी से बड़ी हो जाएंगी, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी क्लोज बटन आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हम यहां पर क्लोज बटन करेंगे तो एक्चुअली हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। अगर ये सेव्ड है तब तो अच्छी बात है, और अगर सेव्ड नहीं है तो वो पूछेगा कि आपको ये सेव करना है कि डोंट सेव करना है कि कैंसिल करना है। तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर आप क्लिक करिए और आप वो वर्क या तो क्लोज कर देंगे या तो फिर उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने विंडो सिस्टम को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज नोन एज ए सेव अनडू एंड रिपीट, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के बहुत कॉमन ऑपरेशन है ना, बहुत कॉमन है, इट इज ए कॉमन यूज्ड कमांड, ये कॉमन यूज्ड आते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, हर समय हमें यूज करना है, अदरवाइज हमने जो काम किया है वो पूरे के पूरे काम एक्चुअली डिलीट हो जाएगा। तो हमें फिर बाद में आप बोलोगे कि सर आपने तो सेव करना सिखाया ही नहीं और आपने बहुत सारा काम कर लिया, अब पता चला कि आप एक घंटा दो घंटे के बाद में आपका सिस्टम एक्चुअली स्टॉप हो गया या हैंग हो गया या आपका रिबूट हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो आपने टाइप किया है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, सेव करना है भाई, हम सेव कर सकते हैं, हम अपने काम को सेव तो कर दिए लेकिन हमें पता चलता है कि हमने गलत सेव किया, पिछला वाला ही स्क्रीन सही था, तो हम क्या करेंगे, इसे अंडू कर देंगे, ठीक है ना, अंडू कर देंगे, रीडू कर देंगे, यानी आगे रिपीट करना है तो वो रिपीट कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पर एक्चुअली अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एक सिंबल के द्वारा भी काम कर सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पर रीडू करना है कि आपको यहाँ पर अंडू करना है। तो ये चीजों को आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है, आप कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वर्किंग लेके आता हूँ, तो वर्किंग में मेरे पास में विंडो ये इस तरीके का है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रीडू और अंडू करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग कंपोनेंट। अब मैं इसको सपोज करिए क्या कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर कर दी। अब ये मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे तो पुरानी वाली ही चीज पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, या तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल जेड जैसे दबाएंगे, देखिए पीछे जाएंगे हम, तो ये बन गया आपका पहला काम, ये पहला काम क्या हुआ आपका, मतलब ये आपका अंडरलाइन हट गया। अब फिर से मैंने कंट्रोल जेड दबाया तो देखिए इटैलिक हट गया, और फिर से कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये क्या बन गया आपका, ओरिजिनल आ गया। अब मैं इसको फिर से रीडू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई करेंगे, तो कंट्रोल वाई में क्या हो रहा है, इट इज ए यूर बोल्ड हो गया, इसके बाद इटैलिक हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ये आपका अंडरलाइन हो गया। तो इस तरीके की चीज को हम अंडू और रीडू का कंसेप्ट देते हैं,
और हम अपने को जो भी इस तरीके के वर्क हैं उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स भी बने हुए रहते हैं कि आप उस सिंबल्स को यूज करें, और डायरेक्टली मैंने तो शॉर्टकट की से आपको बताया है कि भाई इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विंडो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द यूअर वन टाइप ऑफ विंडो, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ। तो ये एक टाइप का विंडो हो गया क्लिपबोर्ड के लिए, यहाँ पर एक फॉन्ट वाला विंडो आ रहा है, ये एक आ जाएगा। ये इसके टूल्स है, पैराग्राफ से रिलेटेड टूल्स हैं, देन स्टाइल से रिलेटेड टूल्स हैं, देन आपके पास एडिटिंग के कुछ रूल्स है, इसी तरीके से वॉइस है, एडिटर है। यहाँ पर ये रिबन का काम कर रहा है। रिबन का काम का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा, रिबन आगे चली जाएगी और मुझे फिर से यहाँ पर रिबन को, मतलब कभी कभी स्क्रीन बड़ी करनी है तो हम इस तरीके की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से अगर अपने आप को लेके आना है तो मैं फिर से होम दबाया तो ये फिर से आ गया। अब इसे पिन कर देंगे तो जैसे ही हम पिन करेंगे, पिन द रिबन, तो ये रिबन यहाँ पर पिन हो जाएगी और ये चीजें यहीं पर सेफ हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें करना है एडिटिंग टूल, तो एडिटिंग टूल में बहुत सारे आपके एडिटिंग भी हैं कि आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। आप अपने आप को धीरे धीरे चीजें अभी समझ में आएंगी तो आप खुद ही करेंगे, मतलब, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पैराग्राफ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप फॉन्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे जो वर्क हैं ये सारे आपको बताएंगे हम लोग कि किस तरीके से हमको करना है। ये क्लिपबोर्ड का काम है कि आपको पेस्ट ऑल करना है, क्लियर ऑल करना है, ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो आपको एक के बाद एक चीजें, एडिटर में आपको क्या काम करना है तो ये एडिटर का काम हो रहा है, एडिटर में हमें कौन सा वर्क करना है वो हम कर सकते हैं। तो लाइक दैट हमारे पास में बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमएस वर्ड नो डाउट 1990 से जो चल रहा है वो इतना तेजी से चला है कि हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो दिस इज कम अंडर द यूअर वन इम्पोर्टेंट थॉट। तो अब हम आगे की स्लाइड करते हैं मूव, तो आगे की स्लाइड में ध्यान से देखिए, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअली रिफर्ड टू द वर्ड रिबन। मैंने आपको रिबन की स्टोरी बता दी है, ठीक है ना। रिबन का मतलब है ये जो ड्रॉप हुआ था आपका विंडो, उसे रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो उस रिबन को आपको बनाना, रखना है कि नहीं रखना है, आप पिनअप कर दीजिए। पिनअप को हटा देंगे तो ये जो आपको विंडो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो विंडो दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए यूअर रिबन, है ना। ये आपकी देखिए रिबन है, यहाँ से यहाँ जो रेक्टेंगल बॉक्स बना है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ का जो रेक्टेंगल बॉक्स बना है ये एक्चुअली कहलाता है रिबन। तो द एरिया आउटलाइन इन दिस रेड, है ना, जो मैंने रेड लाइन से इसको किया है, दिस इज नोन एज ए रिबन। तो आपको इसे रखना है कि नहीं रखना है आप पिनअप कर सकते हैं। तो जब हमको बार बार इसमें से कुछ चीज उठानी है तो हमको यही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको अगर कमांड सब मालूम है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना जल्दी सारी चीजें आ जाती हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज नहीं है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हर चीज विजुअल है, ठीक है। पहले के जो सॉफ्टवेयर आते थे वो एक्चुअल में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि आपको हर चीज याद रखनी पड़ती थी, आपको हर चीज हम विजुलाइज नहीं करा पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि हम रिबन को किस तरीके से रख सकते हैं और किस तरीके से हम उसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिबन कंसेप्ट। अब मैं आ जाता हूं आपके इम्पोर्टेंट कमांड के ऊपर। तो देखिए कमांड में हमारे पास में देखिए सबसे पहला कमांड क्या है, इट इज ए योर फाइल रिलेटेड कमांड, होम रिलेटेड कमांड, इंसर्ट रिलेटेड कमांड, पेज लेआउट, देन रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो ये जो सारी तमाम चीजें हैं ये आपके मेन मेनू जैसा ही कंसेप्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको मेन मेनू जैसा ही कंसेप्ट मिल रहा है। अब मैं वर्किंग मॉडल में आपको बताता हूँ, तो वर्किंग मॉडल में देखिए ध्यान से, हमारे पास भी यहाँ पर और ज्यादा है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर मैं रन कर रहा हूँ ये एक्चुअल में और अपडेटेड है, 220 से रिलेटेड है आपका यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पुराना वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पुराना एक्चुअली एमएस वर्ड था, अब ये नया आ गया है। इसके अंदर में
फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, वी हेल्प, इस तरीके से और भी चीजें ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये आपको मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो चीज बहुत यूजफुल है वो तो आपको यहाँ पर दिखा देंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी अलग से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे की स्लाइड में मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम फाइल पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ए दिस टाइप ऑफ मेनू। मैंने भी आपको बताया था कि फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि कौन कौन से कमांड हमारे यूज करने हैं। तो लेट वी हैव ए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, वी हैव चेक फॉर इशू, वी हैव वर्जन्स आर देयर, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पर आपको क्लियर बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपने वर्किंग एरिया में आता हूँ, तो देखिए फाइल में जाता हूँ और ये इंफॉर्मेशन दबाता हूँ, तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे और भी बेहतरीन चीज मिलेगी। जैसे जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, इट इज ए क्रिएटेड बाय टुडे, ये क्रिएट हो रहा है टुडे, ये इतने बजे क्रिएट हो रहा है, इस फाइल की साइज कितनी है, वर्ड कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा हमारे पास, टाइटल क्या है, तो एड ए टाइटल, अभी टाइटल हमने बनाया नहीं तो ये टाइटल नहीं आ रहा है, फिर हमारे पास में ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, वी कैन मेक ए इंसर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, हम चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट को कुछ अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैनेज द डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर में मैनेज करने के अलग हमारे पास में ऑप्शंस रहते हैं। तो दिस इज द योर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट, अगर ये मैनेजमेंट करना है तो रिमूव अनसेव डॉक्यूमेंट, डिलीट ऑल अनसेव डॉक्यूमेंट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये मैंने इन्फो से आपको बताया है काम, तो ये इन्फो का कंसेप्ट है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर पहले तो इसको क्लियर कर दूँ, ये कंसेप्ट, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए फाइल इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं कमांड की भाई, तो देखिए कमांड में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे कमांड, जैसे कि क्लिपबोर्ड कमांड है, फिर फॉन्ट कमांड है ना, ये सब कमांड जो नीचे लिखे हैं वो ऊपर भी लिखे हैं। इट इज ए यूअर क्लिपबोर्ड कमांड, तो दिस इज यूअर क्लिपबोर्ड कमांड, नाउ दिस इज ए फॉन्ट, दिस इज द फॉन्ट, है ना, नाउ वी हैव ए पैराग्राफ रिलेटेड वर्क, पैराग्राफ रिलेटेड वर्क, वी हैव ए स्टाइल रिलेटेड वर्क, we have a style related word, we have a editing mode, we have a editing mode, तो ऐसे करके हमको सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, हम इसका यूज करेंगे। तो जो भी चीजें आपको दी है वो एक्चुअली बाय नेम ही अपने आप में कैपेबल है समझाने के लिए। जैसे क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड में आप जो कॉपी करके रखना चाहते हैं, वो पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट आपको पेस्ट करना है, तो ऐसे जो भी काम है ये क्लिप बोर्ड में होते हैं। फॉन्ट से रिलेटेड, उसका साइज क्या है, उसका सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है, अंडरलाइन क्या है, स्ट्राइक करना है, फॉन्ट का टाइप मतलब साइज क्या है, उसका इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फॉन्ट से रिलेटेड होती हैं, तब जाके हमारा फॉन्ट एक्चुअली अट्रैक्टिव बनता है। हम पूरे पैराग्राफ पर भी बात कर सकते हैं, तो जब हम पूरे पैराग्राफ पर बात करेंगे, हमें पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, यानी दोनों तरफ से करें, एक तरफ से करें, मिडिल से करें, हम उसे बुलेट लगा सकते हैं, ऐसे आप उसको टेबल बनाए हैं, इसको आप मतलब फील्ड कर सकते हैं एरिया को, ऐसे बहुत अच्छी चीजें बनी हुई हैं, अपन यूज करके देखते हैं। नाउ स्टाइल, स्टाइल में हमको ये देखना है कि भाई हमारा जो स्टाइल है वो हेडिंग का है कि टाइटल का है कि सब टाइटल का है, किस तरीके का हमारा फॉर्मेट स्टाइल का है। एडिटिंग करना है हमको तो फाइंड करना है, रिसर्च करना है, रिप्लेस करना है, तो ऐसी तमाम चीजें जो होंगी वो आपको यहाँ पर समझ में आएंगी एक की बात एक। ठीक है, तो अब हम आगे की स्लाइड में मूव करते हैं। तो आगे की स्लाइड हमारे पास है, दैट इज फॉर द, है ना, दैट इज फॉर द नेक्स्ट। अब हम देखिए और अंदर जाने की बात कर रहे हैं, तो और हम अंदर जाके देखते हैं क्या चीज हमको और समझ में आएगी। जैसे ही हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे हम फाइल में घुसेंगे अंदर, तो फाइल में जैसे ही हम घुसेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीजें, इंसर्ट टैब ग्रुप कंटेन द कमांड
मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एडिंग समथिंग टू द डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऐड करना है, आप डॉक्यूमेंट में पेज ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में टेबल कर सकते हैं, आप इलस्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, उसमें लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई एक सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं है उसे भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सब चीजें बनी है। जैसे पेज को ऐड करना है तो करंट पेज पर काम करना है, ब्लैंक पेज पर काम करना है, पेज को ब्रेक करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी। नाउ टेबल, टेबल से रिलेटेड यानी कि आपको मैट्रिक्स रो और कॉलम की बात है, उससे काम करना है। देन आपका इलस्ट्रेशन क्या है, पिक्चर का है कि क्लिप पार्ट का है कि शेप का है, तो ये चार्ट का है आपका, किस तरीके का कंटेक्स्ट चल रहा है, दैट इज इलस्ट्रेशन। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिंक करना है, आप चाहें तो हाइपरलिंक कर सकते हैं, आप उसको बुकमार्क बना सकते हैं, क्रॉस इंफरेंस रिफरेंस कर सकते हैं। हेडर फुटर, आपको हेड में क्या लिखना है, फुटर में क्या लिखना है, पेज नंबर क्या लिखना है, ये सारी बातें आपको यहाँ से मिल रही हैं। फिर आपको ये समझना है कि आपका जो टेक्स्ट है भाई, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट ए बॉक्स क्या होता है, उसके अंदर में क्विक पार्ट्स जो है वो देखना, आपको वर्ड आर्ट बनाना है, आपको ड्रॉप कैप्स बनाने हैं, इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह सिंबल्स है, आपको सपोज पाई बनाना है, कुछ ओमेगा बनाना, इस तरीके के जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो आपके एक्चुअल कीबोर्ड में नहीं बने हैं, ये एक्सटेंशन आपके आएंगे, तो इसको आप यहाँ पर इजी ढंग से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए कि ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, और अगर भूल गए तो डरने की बात नहीं है, आप हेल्प बटन को दबाइए और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होंगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप एक्चुअल में मैं तो चाहता हूँ कि आप इसको यूज करिए, अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करिए, तभी आपको याद रहेगी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं हो गया है, सब्जेक्ट जैसा चीज नहीं है कि हम इसको एक बार पढ़ लिए, एक बार ठीक है इसको, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, यूज करेंगे तो ही आपको फायदा बन सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अब बात करते हैं थीम की, है ना। अगर हमें थीम पर जाके बात करना है तो लेट आई हैव दिस टाइप ऑफ द थीम्स, तो ये थीम्स हमको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो ये थीम्स हम लेके आएंगे। फिर हमारा जो पेज सेटअप है ये हमें उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, तो हम ओरिएंटेशन भी यहाँ से बता सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर इसकी मार्जिन को बता सकते हैं कि भाई हमें मार्जिन कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी पेज सेटअप में मिलने वाली है। तो पेज सेटअप से आप बहुत सारी चीजें जो पेज से रिलेटेड है ले सकते हैं, कि इसका पेज का साइज क्या होगा, पेज में कॉलम्स कितने बनेंगे, एक कॉलम पेज है, दो कॉलम पेज है, कॉलम में हम कहाँ पर ब्रेक देंगे, कहाँ पे लाइन नंबर देंगे, कहाँ पर हम हाइपरनेशन देंगे, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जो पेज से रिलेटेड है वो बनेंगी। इसी तरीके से आपका पेज का बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड यहाँ पर आपको जो वाटरमार्क लगाना है या पेज कवर लगाना है या पेज का बॉर्डर बनाना है, ये सारी बातें आ जाएंगी आपकी पेज ब्लैक बैकग्राउंड में आ जाएंगी। इसी तरह पैराग्राफ से रिलेटेड हमें बात करना है तो पैराग्राफ में हमें लेफ्ट इंडेंट क्या रहेगा, राइट इंडेंट क्या बनाएंगे हम, बिफोर पैराग्राफ से हमें कितना स्पेसिंग चाहिए, आफ्टर पैराग्राफ कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो ये पैराग्राफ का एक डिटेल वर्ड हो गया। जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ है तो ये आपको क्या चाहिए, गैप चाहिए। इसी तरह आपको यहाँ कितना गैप चाहिए, इसके ऊपर कितना गैप चाहिए, इसके लेफ्ट में कितना गैप चाहिए, तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड हो गए। इसी तरीके से आपको अरेंज करना है सारी, आपको जो अरेंज करना है उसे आप अरेंज भी कर सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर पिक्चर बनाना है वो पिक्चर के ऊपर मतलब टेक्स्ट लिखना है कि उसके बाजू में टेक्स्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर एक देखिए, ये आपने बनाया है एक, यहाँ पर हमने यूज किया है कंपनी का लोगो, अब इस लोगो के ऊपर लिखना है कि लोगो के पीछे लिखना है, लोगो के ऊपर लिखना है, तो ये हमें क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई आप अरेंज क्या कर रहे हैं, किस तरीके का आपको अरेंज करना है। तो ये अरेंज करना यानी हो सकता है कि ये इमेज फ्रंट में आ रही है, ये इमेज आपके बैक में जा रही है, ऐसी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज होंगी इसमें, सॉरी, तो आप यहाँ पर उनको यूज कर सकते।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अब कि जब हम रेफरेंस की बात करेंगे तो एक एक ऑप्शन में तमाम बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन भी हैं, ठीक है ना। तो उन सब चीज को भी आपको समझना है। तो टेबल के जो कंटेंट्स हैं, तो टेबल के कंटेंट्स हैं उसको आपको यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से हम टेबल के कंटेंट्स में अपना मॉडिफाइड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फुट नोट आपको बनाना है, तो फुट नोट में आप कौन कौन से इम्पोर्टेंट फुट नोट बना सकते हैं, कौन सा स्टाइल का ले सकते हैं, किस तरीके का इंसर्शन होगा, किस तरीके का आपका नेक्स्ट फुट नोट होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। इसी तरीके से साइटेशन है, बिब्लोग्राफी है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें आप इन सबको यूज कर सकते हैं कि इस तरीके का हमारा एक्चुअली स्टाइल होगा साइटेशन का, बिब्लोग्राफी का, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका कैप्शन। भाई कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैप्शन को आपको यहाँ पर इंसर्शन, इंसर्ट द कैप्शन है, क्रॉस रेफरेंस कैप्शन है, अपडेट द टेबल है, इंसर्ट द टेबल ऑफ, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकेंगे। नाउ इंडेक्सिंग है भाई, इंडेक्स सबसे पहला आएगा, तो इंडेक्स यहाँ पर आप बना सकते हैं और उसे आप एक्चुअली मैप कर सकते हैं। फिर आपका टेबल ऑफ अथोराइज है ना, टेबल ऑफ द अथॉरिटीज जो आपको देनी है वो आपको लास्ट इस बटन से सारी चीजें मिल सकती है। तो दिस इज अबाउट द यूअर दिस इंपॉर्टेंट कमांड्स। अब हम बात करते हैं मेलिंग टैब। अगर हमारे पास कोई मेलिंग टैब है तो हमें मेलिंग में भाई क्रिएट करना है, मेल को क्रिएट करना है, तो हम मेल को क्रिएट करेंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे। मेल मर्ज बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है एमएस वर्ड में। आपके पास में ऐसे बहुत सारे क्या है, सपोज करिए एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस आपके पास हैं। अब आपके पास सपोज स्टूडेंट के नेम और एड्रेसेस हैं, इन सारे स्टूडेंट को इनका एक्चुअल में मिड सेम के एग्जाम भेजने हैं। तो लेट दिस इज ए यूअर वन मेल, ये आपका मेल मतलब ये आपके क्या है कंटेंट्स हो गया। इसके अंदर में आपको ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं पर स्टूडेंट की अलग अलग चल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज करना है, दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, लाइक दैट दिस इज विद दिस वन, ये पूरा आपको मर्ज करना है। तो प्रिंटिंग के समय ये मेल मर्ज हो सकता है, या फिर आप इसको उसके ईमेल में भी मेल मर्ज करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मतलब ऑप्शन है एमएस वर्ड में, जो बहुत हम लोग यूज करते हैं। देन लाइक वाइट प्रीव्यू द रिजल्ट, आपको रिजल्ट को प्रीव्यू करना है तो भी हम लोग रिजल्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द फिनिश, ये आपका यहाँ पर रिजल्ट रिव्यू हो गया। दिस इज द राइट एंड द इंसर्ट फील्ड हो गया, दिस इज द राइट एंड इंसर्ट फील्ड हो गया, इट इज ए फिनिश फील्ड। तो ये कंप्लीट आपका मेल मर्ज के पूरे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या देखना है, आपको ये समझना है कि रिव्यू, रिव्यू हमारे पास में होगा। अब रिव्यू के लिए आप देखिए क्या क्या रिव्यू करना चाहते हैं, आप प्रूफिंग को रिव्यू करना चाहते हैं, लैंग्वेज को रिव्यू करना चाहते हैं, कमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं, ट्रैकिंग को रिव्यू करेंगे, चेंजेस प्रोटेक्ट एंड कंपेयर करेंगे, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर सब बटन बने हैं, सपोज करिए ये प्रूफिंग है, तो प्रूफिंग आपको यहाँ से करनी है, इट इज नोन एज ए प्रूफिंग। इसमें स्पेलिंग है, आपको ग्रामर यूज करना है, आपको इसका थिसारिस यूज करना है, वर्ड को काउंट करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप प्रूफिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पर है कि इसको ट्रांसलेट करना है या कौन सी लैंग्वेज यूज करनी आप कर सकते हैं। देन कमेंट, आप किस तरीके का कमेंट बनाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीजें आपकी कमेंट से आती हैं। इसके बाद है आपका ट्रैकिंग, तो ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आप कौन से टाइप का है ना रिव्यू कर रहे हैं, तो ये ट्रैक आपको पूरा तरीके से मैपिंग कर सकता है। इसके बाद कोई चेंजेस करना है आपको, तो आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, आप प्रीवियस बटन दबाएं कि नेक्स्ट बटन दबाएं, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब है तो बनाने में बहुत कठिन है, सारी चीजों को आपको समझना है और बनाना है,
मतलब हम जो देखते हैं प्रेजेंटेशन बहुत, मतलब इंडस्ट्री में अगर आपको एमएस ऑफिस में कमांड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आइडिया है, आप घर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इंडस्ट्री में या आपके वर्किंग ऑफिस में बहुत जरूरी है एमएस ऑफिस। इसके बिना आप एक्चुअल में सेटिस्फाई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा सर्विस में, क्योंकि आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। उसके बाद आप फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये प्रोटेक्ट करने का कंसेप्ट आ गया। देन कंपेयर करना है, तो यू कैन कंपेयर द योर कंटेंट विद द एंकर कमांड। तो दिस इज अबाउट द योर दिस विंडो। तो अब हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। देखिए, नाउ दिस विल बी द योर व्यू, है ना, हम व्यू पर आ गए हैं, लास्ट वाला चल रहा है ये। दिस इज नोन एज योर व्यू विंडो, ये व्यू पर काम कर रहे हैं। तो इन दिस व्यू वी हैव ए डॉक्यूमेंट व्यू, है ना, दिस इज द योर डॉक्यूमेंट व्यू, ये आपका डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, दिस इज द योर डॉक्यूमेंट व्यू। नाउ दिस इज द शो व्यू, है ना, ये आपका क्या है, इट इज ए शो व्यू, आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। इट इज ए जूम व्यू, तो यहाँ पर आप जूम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ए योर विंडो व्यू, इट इज ए योर विंडो व्यू। एंड लास्टली वी हैव ए मैक्रोस, तो इट इज ए मैक्रो। ऐसे करके आपके पास में पांच इंपॉर्टेंट व्यूज हैं जो कि आपके व्यू ऑप्शन में मिलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, फाइल, फिर हमने देखा उसका होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, इस तरीके की हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और उसमें से ये आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यू कैन लुक एट डॉक्यूमेंट। हमको अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लुकिंग करना है, उस तरीके से हम लुक कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट योर एमएस वर्ड। अब मैं आपको वर्किंग में ला के दिखाता हूं। देखिए, वर्किंग में क्या है कि सपोज करिए मुझे ये क्यूरियस इंफोटेक सॉल्यूशन को बोल्ड करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर दीजिए, यहां पर बोल्ड कर दीजिए, इसको इटैलिक कर देंगे और यहां पे इसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो आपको बटन में दिख रही है वही आपको करना है। सपोज मुझे इसे ट्रिक आउट करना है, यानी कि ये मुझे लिखा हुआ है पर ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। जैसे मैं यस और नो बनाऊंगा ना, यस और नो, तो लेट आई हैव दिस यस एंड दिस इज माय नो। अब मुझे दोनों में से सही क्या है, सपोज करिए यस, यस मेरा गलत है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिक कट करूंगा, तो यहाँ से ये कट हो गया ये, ठीक है। अब सपोज करिए क्यूरियस इंफोटेक सॉल्यूशन को मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर दूसरे वाले से भी हाईलाइटर बना सकता हूँ, तो इसी से बना सकते हैं। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट लाइक दिस हाईलाइटर। अब मुझे फॉन्ट्स को बदलना है, जैसे मुझे केवल सी को बदलना है, तो सी इज ए रेड, ठीक है, देन आई इज ए रेड, तो हर एक करेक्टर को मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, है ना, हर एक करेक्टर को मैं यहाँ पर बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको, ये लीजिए बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट। जैसे एस, एस को मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये रेड कर देना, तो दिस इज देयर। तो लेट आई हैव सी एज ए बोल्ड, देन आई एज ए बोल्ड, देन एस इज ए बोल्ड, तो मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की बात। अब सपोज करिए ये पूरे का पूरा जो मैंने किया है फॉर्मेटिंग, इस फॉर्मेटिंग को मुझे दूसरी जगह भी करना है, तो मैं इसे क्या करूंगा, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूंगा, तो यहाँ कॉपी कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो जितनी चीज यहाँ पर करी है वो सारी चीजें यहाँ पर एज इट इज आ गई, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट द योर क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड की पूरी स्टोरी है यहाँ पे, यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड है। आपको कोई भी जो फॉन्ट है उस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको आप जो भी बटन को यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे मुझे लिखना है सपोज H2O, है ना, मुझे क्या लिखना है यहाँ पर H2O, दिस इज माई H2O, अभी H2O है, अभी H को तो ठीक है, 2 को नीचे करना है अपने को, तो यहाँ फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इट इज ए योर सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये H2O हो गया, ठीक है ना। हमें बनाना है A का पावर, A पावर B, है ना, इसको मुझे A का पावर बनाना है,
तो मुझे 2 को ऊपर लेके जाना है, तो 2 को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इट इज योर सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। अब मुझे अपने पैराग्राफ पर फॉर्मेट करना है, सपोज करिए कि ये मेरा पैराग्राफ है, अब ये जो पैराग्राफ है, सपोज ये पैराग्राफ है ना, अब इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर में कर दिया। सपोज ये वाली जो 2 लाइन है, इसे मुझे लास्ट में ले जाना है, तो मैं इसे लास्ट में ले जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं जो पैराग्राफ से रिलेटेड है, वो मैं कर सकता हूँ। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर 1-2 मुझे लिखना है, सपोज करिए कंप्यूटर है ना, मेरे को 5 चीजें लिखनी है, कंप्यूटर देन रैम देन रॉम एंड कीवर्ड एंड सपोज मॉनिटर, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसको मुझे क्या करना है ना, मुझे इसे वो बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे मतलब इसमें मुझे यहाँ पर बुलेट लगाना है, ठीक है ना। तो बुलेट लगाने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बुलेट लगा देंगे, तो देखिए ये बुलेट लग गया। अब ये बुलेट को मैं आगे पीछे करना है, तो ये मैं और पीछे कर सकता हूँ, इसको मैं आगे कर सकता हूँ, वॉट एवर वेयर यू वॉन्ट टू पेस्ट यू कैन पेस्ट इस। अब इसको मुझे बुलेट को चेंज करना है, तो इस बुलेट को चेंज करने के लिए दिस टाइप ऑफ बुलेट, दिस राइट बुलेट, दिस टाइप ऑफ द बुलेट, आपको जो बुलेट अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यू डिफाइन न्यू बुलेट, तो आप नया बुलेट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बुलेट हो गया। अब बुलेट की जगह मुझे बनाना है नंबर, तो लेट आई हैव ए सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लेट आई हैव ए सम दिस टाइप ऑफ द ABC, तो ये ABC बन जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर 1, 2, 3 रो आपका वो बनाना है, रोमन बनाना है, आप रोमन भी बना सकते हैं। तो वॉट एवर यू हैव यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द योर सेट नंबरिंग। सपोज करिए ये जो नंबर है, मुझे फिर से क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, इट इज ए सीस, मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू हैव टू गो फॉर द, अब ये नंबर पे जाएंगे आप, इस नंबर पे आपको क्या लिखना है, सेट नंबरिंग वैल्यू। अब आपको अगर यहाँ पर सेट करना है, तो यू हैव टू सेट दिस नंबर। अब ये बोलेगा कि हमें ये कहाँ से शुरू करना है, तो लेट आई वॉन्ट दिस ए, तो देखिए मेरा ए से शुरू हो गया। अब यहाँ पर ABC बन गया, पहले क्या था ये, इट इज ए CDE था, अब बाद में क्या बन गया, ये बाद में बन गया ABC, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, अब सपोज करिए कि ये B के अंदर ABC है ना, तो ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसको चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट इज लाइक दैट। तो ये आपका क्या होगा, अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद यू कैन मेक ए दिस कंसेप्ट, तो ये हमारा बन गया है ना, इसको हम इस तरीके से ABC बना सकते, ठीक है। तो दिस इज द वे। अच्छा, इन दोनों के बीच में स्पेस, सपोज करिए इन दोनों के स्पेस हमको करना और बड़ा करना है, तो ये हमारे पास स्पेस है, कितना स्पेस डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर कितना डालना है, सपोज करिए यहाँ पर हमको इस तरीके से डालना है ना, इट इज नॉट लाइक दैट, इसके ऊपर मुझे स्पेस चाहिए, तो इसके ऊपर में बिफोर कितना चाहिए, तो ये मुझे बिफोर चाहिए, तो उसको मैं उस तरीके से बिफोर लेके आ जाऊंगा, यानी रिमूव द स्पेस बिफोर, रिमूव द स्पेस दिस वन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर में आप है ना, इसको हम लोग यहाँ पर A to Z का वो भी कर सकते हैं, है ना, सपोज आई हैव है ना, ये है, इसको मैं शॉर्टिंग कर लें, तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकता हूँ, तो ये पैराग्राफ का है, तो डिसेंडिंग कर देते हैं, सपोज इसको हमने डिसेंडिंग कर दिया, तो देखिए सारी चीजें चेंज हो गई। तो स्टार्टिंग विद द ROM, इसको फिर से हम उल्टा कर देते हैं, है ना, लेट वी विल गो फॉर द यूर दिस विल बी द फॉर द असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग कर दी, तो सी ऊपर हो गया। तो ऐसे हम लोग चीजों को यूज कर सकते हैं, हमें देखना है कि कितने जगह में हमारा इंटर की लगा है, तो ये इंटर की हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस किस वर्ड के बाद प्रॉपर इंटर की लगा है कि नहीं लगा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कोई टेबल बना रहे हैं, तो उस टेबल की फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, इट इज ए टेबल की फॉर्मेटिंग है यहाँ पे। सपोज हमने यहाँ पर टेबल बनाया है, तो टेबल को हम इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो टेबल में हमें किस तरीके का फॉर्मेटिंग चाहिए, तो उस चीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो
हमें टेबल की फॉर्मेटिंग चाहिए, लेट आई नीड टेबल, तो मैंने टेबल को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो गया, सपोज करिए ये 5 by 2 है, तो ये 5 by 2 हो गया, ठीक है ना। इट इज ए योर टेबल, ये टेबल बन गया आपका। अब इस टेबल को किस तरीके से आपको बनाना है, आप उसको यहाँ पर एग्जैक्टली बना सकते हैं किस तरीके से चाहिए आपका। तो यहाँ पर आपने लिखा है सपोज सीरियल नंबर, दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 3 एंड दिस इज ऑप्शन 4, ये ऐसा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको सपोज करिए कि इसको आपको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर किस तरीके का चाहिए, सपोज इस तरीके का चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए केवल, है ना। आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, केवल आपको बीच का चाहिए, इनसाइड द बॉर्डर या बीच का चाहिए, तो वॉट एवर यू वॉन्ट, इस तरीके का या इस तरीके का डायगोनल चाहिए, तो जो भी आपको बॉर्डरिंग करनी है वो बॉर्डरिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। दिस इज नोन एज योर टेबल इंसर्शन। अगर मुझे कोई यहाँ पर शेप इंटर करना है तो मैं यहाँ पर शेप इंटर कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर शेप इंटर किया, तो लेट आई हैव ए वन शेप, मैंने यहाँ लिखा स्टार्ट, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर स्टार्ट आ गया। अब इसके बाद में मुझे क्या लिखना है, और एक एंड बनाना है, सपोज दिस इज माई एंड, तो मैं यहाँ पर एंड बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट के साथ क्या बनेगा, यहाँ पर एंड बन जाएगा। तो दिस इज द योर एंड, यहाँ पर आपका ये एंड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज बिकम इज एंड। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या है, एक एरो लगाना है, दिस इज द योर एरो, तो इस एरो को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, दिस इज द योर एरो। तो इस तरीके की ब्यूटीफुलनेस आपको मतलब याद रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। हम इसी तरीके से डिजाइन में भी जाके बना सकते हैं, या हम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी आपको लेआउट बनाना है तो लेआउट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट उसके बदल सकते हैं। अब जैसे कोई इमेज है, इमेज के ऊपर भी देख देता हूँ मैं आपको, सपोज आई हैव ए वन इमेज, है ना, मैं इमेज लेके आता हूँ, वन सेकेंड, ठीक है, मैं इमेज लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए मैंने इमेज को यहाँ पर डाला है, तो मैं यहाँ पर अगर इमेज को डालता हूँ, सपोज दिस इज माई इमेज, ये इमेज है, मुझे ये इमेज चाहिए, सपोज मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया, आई एम डूइंग द कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करके मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कॉपी हो गया, देखिए ये कॉपी हो गया, है ना, ये कॉपी हो रही है इमेज। अब इस इमेज को मुझे फ्रंट में लाना है, तो ये मेरा फ्रंट है, और इसके पीछे लेके जाते हैं इमेज को हम, है ना, इसको हम पीछे लेके जाते हैं। तो देखिए ये इसके ऊपर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है ना, दिस विल बी द योर वन टाइप ऑफ द कंसेप्ट। अब इसको सपोज करिए फ्रंट में लाना है, तो यू कैन चेंज द योर आइकॉन, ये आपको किस तरीके से करना है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैं लिखूँ कि इसको मैं अलग से लिखूँ। देखिए तो स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू है, आपको किस तरीके से लिखना है ना, बॉटम आपको इसे लिखना है, तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज का रैपिंग कर सकते हैं, किस तरीके का हमको रैपिंग चाहिए, ठीक है ना। हम इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, इमेज को हम अगर रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा भी आपको लगता है आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी टूल होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो बता दी हैं आप, अच्छा एक और बता दूं मैं बस, लास्ट कॉलम वाली जो बात है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी था, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सपोज कॉलम, हम कॉलम की बात करते हैं, है ना, लेट आई हैव ए कॉलम, इंसर्ट कॉलम, ठीक है ना, हमें क्या करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है। तो हम कॉलम को पहले इंसर्ट, जैसे सपोज करिए कि कोई मैटर है, तो मैं पहले मैटर लेके आ जाता हूँ, सपोज आपके पास में क्या है, एक मैटर, ठीक है, तो ये मैटर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमने मैटर को बड़ा कर दिया। अब इस मैटर पर हमको क्या करना है, कॉलम का एक्चुअल में अभी ये क्या है,
आपका वन कॉलम है, यानी पूरे का पूरा उसमें आपको दिख रहा है। अब हम इसको टू कॉलम में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हमको इस पैराग्राफ को कॉलम में बदलना है। तो देखिए, कॉलम में बदलने के लिए लेआउट में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लेआउट में जाएंगे तो हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन मिलेगा अपने पेज का, ठीक है ना। पेज सेटअप करना है, यहाँ ओरिएंटेशन है। तो हम यहाँ पर कॉलम को यूज करेंगे। हमें एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, तीन। तो इस तरीके से सपोज करिए हमको चाहिए टू कॉलम, ठीक है। यहाँ से हमको चाहिए टू कॉलम, तो हम यहाँ पर सेट करेंगे दिस आर द टू कॉलम। यहाँ पर ये टू कॉलम में आ गई चीजें। अब इसको हमको टू कॉलम में बदलना है। देखिएगा ध्यान से, ये टू कॉलम में आपको कैसा दिखता है, ठीक है। मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर दिखेगा। तो लेट आई हैव दिस वन, और एक बार करेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये टू कॉलम में दिख रहा है, यहाँ पर ये दो कॉलम में। तो ये दो कॉलम में चीजें हमको यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये पहला कॉलम है, इसको भी आप जस्टिफाई कर दीजिए। इट इज ए जस्टिफाई, है ना। तो जस्टिफाई करने के लिए गो टू होम एंड दिस इज द जस्टिफाई, दोनों चीजों में जस्टिफाई हो गई। तो देखिए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपका ये कॉलम दोनों आ गया यहाँ, ठीक है। तो लेआउट में जाइए और कॉलम को यहाँ पर यूज करिए, तो ये कॉलम आपको दोनों जगह से हमें करके देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी कर सकते हैं। तो दिस इज द वन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर और भी ऐसी चीजें आपको जो नहीं बताई है या मैं मेरे से मिस हो गई है, अगर आप कभी पूछना चाहें तो आप जरूर पूछिए। तो मैं आपको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें कमी दिख रही है मैं उसको पूरा करके आपको। तो अब अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्सेल। तो हम यहाँ से अब एक्सेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अब एक्सेल पढ़ाऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ से मैं स्प्रेडशीट ऑफ बेसिक स्टार्ट करूंगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।